तो दोस्तों आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए ओडीसी वोकिस और इस इलेक्ट्रिक बाइक के बारे में सारी डिटेल आज मैं आपको देने वाला हूँ। तो पहले मैं आपको इसका वॉक अराउंड देता हूँ, उसके बाद मोटर और सारी चीज़ें अपन जो है इस गाड़ी के बारे में जान लेंगे। तो सबसे पहले मैं फ्रंट से स्टार्ट करूँ तो ये जो गाड़ी है ना, किस फुली फिट स्पोर्ट्स बाइक के लुक में आती है। अगर आप पूरा चेक करेंगे यहाँ से तो ये आप देखिए कलर्स इसमें और भी ऑप्शंस होते हैं, वो सारे जो है आपको स्क्रीन पे देखने को मिल जाएंगे। ये है ब्लैक और रेड कलर, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लग रहा है और प्रीमियम लग रहा है। तो फ्रंट से अगर मैं स्टार्ट करूँ तो सबसे पहले जो इसका फ्रंट वाइज़र है वो है कुछ इस टाइप का, कुछ ट्रांसपेरेंट वाइज़र यहाँ पे दिया हुआ है, काफ़ी बढ़िया लगता है। यहाँ पे स्पेस है आपको प्लेट लगाने के लिए। और ये कुछ इसके साइड मिरर्स हैं जो कि फोल्ड अनफोल्ड आप कर सकते हैं, यहाँ से एडजस्ट करने का ऑप्शन भी है। इधर पे एक DRL है और यहाँ पे जो है कुछ ग्राफिक्स हैं। और इधर आप देखेंगे तो दो प्रोजेक्टर्स आपको गाड़ी में, एक यहाँ पे है एक यहाँ पे है। थोड़ा मैं आपको ऑन करके दिखा देता हूँ। तो ये कुछ इसका व्यू आता है, सही विजिबिलिटी प्रोवाइड कर देता है। यहाँ पे कुछ DRLs हैं और इधर पे आप आ जाएंगे तो यहाँ पे इसका फ्रंट मडगार्ड आ जाएगा। फ्रंट मडगार्ड इसका रेड कलर में जो कि आपका यहाँ तक कवर रहेगा। इसके बाद फ्रंट सस्पेंशन जो है इसके टेलीस्कोपिक है। और एक चीज़ आप नोट करेंगे, इस गाड़ी में आपको ट्विन डिस्क ब्रेक मिलते हैं, सामने एक यहाँ पर है और एक इस साइड प्लेस किया हुआ है। टायर्स का डिस्क प्रोफाइल कुछ इस टाइप का है, रालको के इसमें टायर इंस्टॉल किए हुए हैं जो कि है 110x70 17 इंचज़ के। और ये मेरे हिसाब से शायद ट्यूबलेस टायर है, यहाँ पे आप चेक करेंगे तो। ये कुछ इसका साइड से लुक है। अभी ज़रा आप चेक करेंगे तो यहाँ से पूरी फुली फेयर्ड हो जाती है बाइक। इंडिकेटर्स का प्लेसमेंट यहाँ पे और कुछ V6 की बैजिंग यहाँ पे प्रोवाइड है। और इधर पे इसकी जो है पूरा बैटरी वगैरह प्लेस की हुई है। और ये आपका जो है एल्यूमिनियम का है और काफ़ी अच्छी तरीके से जो है सारी चीज़ें इंटीग्रेट करके रखी है। स्पीड मास्टर यहाँ पे लिखा हुआ है। और ये कुछ इसका यहाँ से पूरा लुक है, यहाँ पे हॉर्न प्लेस्ड है इसका। और इधर आप देखें तो एक टैंक प्रोवाइड किया है जो कि आपका मेटलिक रहेगा, यहाँ पे ODC की बैजिंग है। इधर पे आपको इसका फ्यूल कैप दिया हुआ है, इसको भी आपको मैं ओपन करके दिखाता हूँ। तो उसमें SH कुछ आप फिल नहीं कर सकते, लेकिन एक डमी फ्यूल टैंक दिया हुआ है। मिडल वाला जो पैनल है यहाँ पे वो किसकी बैजिंग है, यहाँ पे कुछ मैट फिनिश है, यहाँ पे ग्लॉसी ब्लैक है और यहाँ पे रेड है। और फुट पैक्स आप देखेंगे तो यहाँ पे फोल्डेबल फुट पैक्स रहेंगे दोनों। और ये इसका स्विंग आर्म है जो कि ब्लैक कलर का है, सिंगल मोनो सस्पेंशन है पीछे जो कि रेड कलर का है। और ये जो आप देख रहे हैं ना, ये साउंड सिस्टम है जो कि आपका एग्जॉस्ट सिस्टम आप इसको कह सकते हैं, जिसमें कि आपको जो है साउंड मिलता है। इसको भी अभी मैं आपको चेक करवा दूंगा। Win 10,000 कुछ यहाँ पे ग्राफिक्स यहाँ पे दी हुई है। स्प्लिट सीट है, सीट इसकी काफ़ी कंफर्टेबल है, ये चीज़ मैंने राइड करके देखा। पीछे इसकी मोटर प्लेस की हुई है और ये है इसकी मोटर। मोटर में आप इधर पे देखेंगे तो यहाँ पे इसका जो डिस्क ब्रेक है ये प्लेस किया हुआ है। तो टोटल इसमें 3 डिस्क ब्रेक हैं, एक पीछे है दो आगे है, तो ब्रेकिंग काफ़ी अच्छी है। बाकी इसका जब राइड रिव्यू करेंगे तो उसमें भी आपको डिटेल मिल जाएगी। पीछे से आप चेक करेंगे तो यहाँ पर इसके LED टेल लैम्प्स है और इंडिकेटर्स देखेंगे तो ये भी आपको LED प्रोवाइड किया है। यहाँ पर स्पेस नंबर प्लेट के लिए और यहाँ पर रिफ्लेक्टर प्रोवाइड किया, एक टायर अगर है यहाँ पर। और ये पूरा आप देखेंगे तो पूरा अच्छे से कवर्ड किया हुआ है। रालगो के पीछे भी टायर मिलेंगे आपको जो कि ट्यूबलेस रहेंगे, 140x70 17 इंचज़ के इसमें टायर प्रोवाइड किए हुए हैं। मतलब एक स्पोर्ट्स फुली फेयर बाइक के हिसाब से काफ़ी सही प्रोफाइल सारी चीज़ें की रखी हुई है। और ये कुछ इसका साइड से लुक आ जाता है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कुछ पावर फिगर्स की। तो सबसे पहले अगर मैं इसकी मोटर की पावर की बात करूँ तो 3000 वॉट्स की इसमें पावर है। और जो पीक पावर आपको इस गाड़ी की मोटर से मिलेगी वो है 4300 वॉट्स की पीक पावर मिलेगी। वोल्ट्स की बात करें तो 72 वोल्ट्स है, 64 न्यूटन मीटर का टॉर्क है। काफ़ी अच्छा टॉर्क है भाई मोटर में, काफ़ी सही टॉर्क है। और मैक्स स्पीड अगर आप देखेंगे तो 80 किलोमीटर ये पहुंच जाती है। और इवन अब इसको अपन चला के भी देखेंगे तो नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएगी इसकी टॉप स्पीड विद पिलियन, मैं इसको राइड करके देखूंगा। तो ये भी काफ़ी सही है। वेट की बात कर लें तो 150 किलो समथिंग इसकी वेट, गाड़ी का वेट है। और ये सारी जो है इसकी सारी डिटेल्स हो जाती हैं। चार्जिंग टाइम की बात करें तो 5 से 6 घंटे इसमें इसको फुल चार्ज करने के लिए। और अब इसका जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले चाबी दिखा देता हूँ। तो कुछ इस टाइप की चाबी मिलेगी जिसमें कि आपको लॉक अनलॉक का फीचर मिल जाएगा। तो कुछ ये हो गई गाड़ी स्टार्ट। और ये साउंड सिस्टम आप सुन रहे हैं ना, ये देखिए इसका कुछ साउंड सिस्टम है। और इसको भी यहाँ से अपन ऑफ कर देते हैं।
अब इसका पहले मैं इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको दिखा देता हूँ। तो बैठने के बाद आप देखेंगे तो कुछ इस टाइप का व्यू आता है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर इसका फुली डिजिटल है, ये देखिए। यहाँ पे इसका बैटरी का पूरा वो है, यहाँ पे इसका कितना किलोमीटर गाड़ी चल गई वो दिखाता है, यहाँ पे स्पीड दिखाता है और मोड दिखाता है। जैसे अभी पार्किंग मोड में इसको ड्राइविंग पे करूँगा तो ये ड्राइविंग पे आ जाएगा, और ये हो गया इसका स्पीड मोड, और ये हो गया रिवर्स। यहाँ से आप सारी जो है इसकी सेटिंग्स वगैरह कर सकते हैं। इधर पे हैंडल देखेंगे तो क्लिप ऑन हैंडलर बार है, काफ़ी अच्छा स्पोर्टी फील करता है, फील होगा आपको जब भी आप इस गाड़ी को चलाएंगे। यहाँ पे इंजन किल स्विच है, लाइट्स के बटन है, और यहाँ पे हॉर्न है, और यहाँ पे भी हॉर्न है, सेल्फ स्टार्ट नहीं है इस गाड़ी में। यहाँ पे पासिंग का बटन है, यहाँ पे अपर डिपर, यहाँ पे आपके हजार्ड लैंप, इंडिकेटर्स, और ये जो है यहाँ पे आपको मोड मिलेंगे। मतलब जैसे जब कभी आपने बचपन में गियर वाली साइकिल चलाई तो लेफ्ट साइड जो आप गियर एडजस्ट करते थे ना, कुछ वैसे यहाँ पे सिस्टम दिया हुआ है, रिवर्स, पार्किंग, ड्राइविंग और स्पीड। तो ये कुछ इसका हिसाब किताब है। तो दोस्तों ये है इसका कुछ वॉक अराउंड, और नेक्स्ट पार्ट में इसको मैं चला के देखूंगा क्या इसकी टॉप स्पीड जा रही है विद पिलियन, इसको टेस्ट करेंगे। तो दोस्तों ये थी ओडीसी की इवोकिस, और इसकी ऑन रोड कॉस्टिंग की बात करूँ तो 1,90,000-95,000 के अप्रॉक्स से कॉस्ट करता है। बाकी अगर आपको इसकी एग्जैक्ट प्राइस जाननी है तो आप मैं आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर प्रोवाइड कर दूंगा, तो वहाँ पे आप पूरी डिटेल्स, आपको एएस मोटर्स जो है वहाँ से डीलरशिप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, वहाँ पे इसकी सारी डिटेल मिल जाएगी। और भी कोई ओडीसी का प्रोडक्ट आप देखना चाहते हैं तो वहाँ पे देख सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी दोस्तों ये था इस गाड़ी का रिव्यू, और मेरे हिसाब से इलेक्ट्रिक बाइक में इतना प्यारा लुक कोई और कंपनी अभी तक नहीं दे रही है जहाँ तक इस बजट के अंदर, तो ये एक चीज़ आप कंसिडर कर सकते हैं। बाकी दोस्तों ये था आज की वीडियो में, कैसा लगा आपका वीडियो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।